नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका सुगर लिमिटेड के ऊपर दोस्तों। और आप सबको पता है सुगर सेक्टर काफ़ी टाइम से बहुत ही ज़्यादा फोकस में, जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इथेनॉल ब्लीडिंग है उसको 20% तक ले जाने की संभावनाएं रख रही है। यानी कि दोस्तों अभी जो 8% से लेके 10% तक है उसको 20% यानी कि ऑलमोस्ट दुगना करने के प्लान है। तो इसमें दोस्तों रेणुका सुगर ने तो पहले ही उनका जो एक्सपांशन कैपेसिटी है इथेनॉल के रिगार्डिंग वो तो ऑलरेडी उन्होंने एक्सपांड के लिए पैसा दे दिया है, कैपेक्स कर लिया है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है। और चार्ट के ऊपर दोस्तों गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ही गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में सडन जंप मिलता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में मिल सकता है दोस्तों। अब आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि रेणुका सुगर नाम के हिसाब से सुगर प्रोडक्शन तो करती है, उसके अलावा दोस्तों पावर जनरेशन में भी है ये और इथेनॉल में भी है इसका काम। यहाँ पे NSE का कोड है रेणुका और मार्केट कैप है 7492 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 35.2 है। बुक वैल्यू देखेंगे तो -4.82 है। स्टॉक का पी नहीं है, ROE नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों। उसकी हालत बहुत पतली थी पिछले कुछ टाइम से, बट जैसे ही अब इथेनॉल का जो थीम आया है उसकी वजह से इसमें अपवर्ड मूवमेंट होने की संभावना है। ROC की बात करें तो 15.7% है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 0.56 है। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि जो प्रॉफिट है वो 13.7% है 5 साल का। और सेल्स का ग्रोथ देखिए दोस्तों डाउन हुआ है, यानी कि ये जनरली हम बात करते हैं हाई ग्रोथ कंपनी की जो ग्रोथ दे रही है, यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा है ग्रोथ का। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हुआ है, यानी कि टोटल ये कंपनी में ज़्यादा मैसअप है, प्रॉब्लम है, डेप्ट भी है, बहुत ज़्यादा इश्यूज है स्टॉक के अंदर। और कैश इक्विवेलेंट है 121 CR का, तो इसको लेना क्यों चाहिए पहले तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि पहले तो चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहे हैं, जो हालत है उससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है कि आपको ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर टेक्निकली ब्रेकआउट मिलता है तो वहाँ पे हमें फोकस करना है। और श्री रेणुका सुगर इन्वेस्टिंग ऑफ 450 करोड़ टू रेज इथेनॉल कैपेसिटी, जो अभी दोस्तों ये पुराना न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 970 किलो पर डे का जो है उसको बढ़ा के 1400 किलो लीटर पर डे का करने का प्लानिंग है, और जो गवर्नमेंट ये पॉलिसी है उस हिसाब से करें। और क्वार्टरली रिजल्ट लास्ट देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर में भी अच्छा दोस्तों सेल्स में प्रगति हुई थी, और एक्सपेंस में भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इतना नहीं था, कंपनी लॉस में से प्रॉफिट में आई थी लास्ट क्वार्टर में। तो ये बहुत सालों के बाद, यानी कि बहुत क्वार्टर के बाद आप देख सकते हैं कि ये सितंबर 2020 में आई थी ऐसी, बाकी कभी भी दोस्तों उससे पहले दोस्तों सितंबर 2019 में थी, बट वहाँ पे अदर इनकम था दोस्तों। यहाँ पे अदर इनकम जो है वो बहुत ही कम है, तो उस हिसाब से जो ये रिजल्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में भी अगर ऐसे रिजल्ट आएंगे तो अच्छा हो सकता है। और आपको बता दूँ कि 2017 तक तो ठीक ठाक था कंपनी में, भले ही लॉस था बट यहाँ पे लॉस थोड़ा कम किया था, फिर उसके बाद बढ़ गया। 2018 में हालत और ख़राब हो गई, सेल्स खराब हो गया और कंपनी में बहुत सारे दिक्कत आना स्टार्ट हो गया। एक ज़माने में स्टॉक गिर के पैनी स्टॉक बन गया था दोस्तों, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट अब हालात सुधार में आ रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो रहे, तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे आपको अच्छा मोमेंटम दे सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर दोस्तों नज़र डाल दें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रमोटर के पास 42.48% का शेयर होल्डिंग है, जो उन्होंने जून में बढ़ाया था, जून से सितंबर क्वार्टर में 62.48 किया था। और FII के पास अगर देखेंगे तो दोस्तों 161% था, वो 2.06 हुआ है। FII भी बुलिश है थोड़ा सा, और DIA के पास थोड़ा सा कम किया है, 10.98 है। उसमें ICICI बैंक 8.0% का स्टेक लग है उनके पास दोस्तों। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं कि ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं क्यों आपको इस बात को डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म दोस्तों मार्च 2020 का जो चार्ट है, वीकली चार्ट के ऊपर जो लो बनाया था मार्च 2020 में, वो लेवल को कनेक्ट किया है जो हाई लेवल बना था हमारा 9 जुलाई को दोस्तों। और आप सबको पता है जितनी बार मैंने रेणुका सुगर को रेकमेंड किया है हर बार हमें पैसा मिला है, क्योंकि हम लॉजिक के साथ बात करते हैं। और आप सबको पता है कि दोस्तों लॉजिक होता है तो कोई एक रीज़न होता है बाइक करने के लिए, ऐसा ही नहीं बोल देते कि बाय करना है। अब लॉजिक क्या है इसको बाय करने के लिए, तो पहली बात दोस्तों यहाँ पे स्विंग हाई लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद जो 23.6% का रिट्रेसमेंट है 37.25 और 38.2% का रिट्रेसमेंट है 30.05। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक
हाई से 50% तक करेक्ट हो गया, फिर 50% के आसपास उसने बेस बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर जो अपना 23.6% का रिट्रेसमेंट है वहाँ पे एक दो बार टच करने की कोशिश की बट हो नहीं पाया क्लोज, बट यहाँ पे क्लोज हो गया दोस्तों 11 मार्च 2022 में उसने ऊपर क्लोज दे दिया, हाई बनाया 3948 का और क्लोज दिया 38.85, बट उसके बाद में ही दूसरे ही वीक दोस्तों उसको धकेल दिया नीचे, 37 का क्लोज दिया और उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गया दोस्तों। यानी कि एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, वॉल्यूम भी दिया, पॉजिटिव कैंडल भी दिया, बट वहाँ पे फंस गए। अगर आप इस रेंज के जरिए अगर यहाँ पे अपने बाइक कर लिया है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपीज़ का दोस्तों, और आपका जो टारगेट है वो होगा 50 रुपीज़ का। यानी कि आपको 50 रुपये के टारगेट के साथ और 30 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहना चाहिए। बट अगर किसी ने बाई नहीं किया है और बाई करना है तो दो तरीका है दोस्तों। यहाँ पे आपको 20 डे की मूविंग एवरेज हाई एंड लो दिख रही है, जहाँ पे दोस्तों एक बेस बनाया था स्टॉक में, अब दोबारा ऊपर की तरफ टूटने की संभावनाएं ज़्यादा क्यों है तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 50 डे का मूविंग एवरेज दिख रहा है दोस्तों, तो 50 डे का मूविंग एवरेज को देखेंगे तो एक बार नीचे सपोर्ट भी लिया था, फिर ऊपर गया था स्टॉक और फिर यहाँ पे तोड़ दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया और फिर वहाँ से उसको तोड़ के ऊपर चला गया। यहाँ पे 50 डे का मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट उसको दिख रहा है। दूसरी चीज, लास्ट टाइम जब टूटा था तो दोस्तों भारी वॉलेटिलिटी था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो लेवल है हमारा वहाँ पे उसने बेस बनाने की कोशिश की और फिर उसने तोड़ा। प्रॉब्लम क्या था इस टाइम पे कि यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर का पंगा है और उसी की वजह से थोड़ा सा ग्लोबल सेल ऑफ का भी माहौल है इन्फ्लेशन की वजह से। और यहाँ पे दोस्तों 20 डेज का मूविंग एवरेज हाई एंड लो है उसी को टच कर रहा है, उसी के आसपास चल रहा है दोस्तों। अगर उसको तोड़ देता है, अगर कल तोड़ देता है तो फिर दोस्तों 30 तक के टारगेट नीचे में नहीं सकते, बट अगर इसको बेस बना लेता है और दोबारा ऊपर की तरफ तोड़ता है तो ऊपर आपको 37.25 तो बहुत जल्द टूटने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार डेली चार्ट के ऊपर हमें ये स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। अब वो बायर्स में वो पावर आ चुकी है कि ये 37.25 के ऊपर चला जाएगा और जैसे ही अब दोबारा जाएगा तो मेरे हिसाब से लगता है कि 45 तक ये जाएगा, जो लास्ट अपना हाई था 40 तक था उसके ऊपर जाएगा। और जो डेली चार्ट के ऊपर जो हाई है वो 40 का है, वो ये इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन हुआ था, बट ये दो बार जाके आए, नज़दीक जाके आए तो एक बार और वहाँ पे जाएगा और फिर उसके बाद जो टूटेगा तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। पहले दोस्तों ये स्टॉक अपर सर्किट में डील कर रहा था, फिर लोअर सर्किट में डील की, अब बट वो स्टेबल हो चुका है तो आपको बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में दे सकता है ये स्टॉक, और 20 डेज के मूविंग एवरेज से भी बिल्कुल नज़दीक है। तो जब भी अपमूव आएगा, मार्केट में सुधार होगा तो ज़बरदस्त अपमूव देगा ये स्टॉक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।